हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक सैजेंटा की ऐसी दवाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफ़ी अच्छी है और इसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं, जिससे कि आप भी इस दवाई का प्रयोग कर सकें। हम इस चैनल पर वही दवाइयों को दिखाते हैं जिससे कि हम प्रयोग करके देख लेते हैं और उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। उन्हीं दवाइयों को हम आपको बताते हैं और फुल प्रूफ के साथ बताते हैं कि इसके रिजल्ट क्या रहे हैं और इसके फ़ायदे और घाटे, मुनाफ़ा पूरी डिटेल हम बताते हैं। और इस दवाई का छिड़काव कब करना है, इस दवाई से कौन कौन से कीटों पर नियंत्रण आपको मिल सकता है, हम फुल डिटेल देने वाले हैं। और इसकी प्राइस क्या रहेगी, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और इसके रिजल्ट भी बताएंगे और इस दवाई में क्या क्या कंपोजिशन डला हुआ है और इस दवाई की फुल डिटेल देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करें इस दवाई की, तो ये एक इंटरनेशनल कंपनी सैजेंटा की बनाई हुई दवाई है। इस कंपनी का काफ़ी पूरे विश्व में फैला हुआ है इसका पेस्टिसाइड, तो आप देख ही सकते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी है सैजेंटा, इस दवाई का नाम है प्लेसिबा। बात करें इस दवाई की, तो ये दवाई एक इंसेक्टिसाइड है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो काफ़ी अच्छी दवाई है और इसे आप छिड़काव कर सकते हैं। पर इसे किसान भाइयों कब छिड़काव करना है, कब नहीं करना है, इसकी फुल डिटेल देंगे और कौन से कीटों पर नियंत्रण आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये सभी तरह की सब्जी वर्गीय फसलों में और आप इसे बैंगन, कपास, भिंडी, गोभी आदि में छिड़काव कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसका मोड ऑफ एक्शन और इसमें कंपोजिशन डले हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप ये फसल देख ही सकते हैं। इस दवाई के लगाने के बाद ये 3 दिन बाद का रिजल्ट है। 3 दिन बाद इसका देखिए क्या अच्छी तरह से इसने पौधे को, देखिए पत्ती फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश पत्ती है पूरे खेत में। ये शिमला मिर्च का प्लॉट है, ये 3 एकड़ का प्लॉट है पूरा, तो आप देख ही सकते हैं इसमें लगी थी ये प्लेसिबा। अब दोस्तों, बात करते हैं इसमें कंपोजिशन की। तो दोस्तों, इसमें साइनेट्राफिनोल डला हुआ है 7.3%, डाइफेंथ्रोन डला हुआ है 36.4%, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो आप देख ही सकते हैं। बात करें इसके कि ये कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करती है, तो दोस्तों यह प्लेसिबा है जो आपके वाइट फ्लाई, इल्ली, फल छेदक, तना छेदक और ये वाइट फ्लाई को भी करती है और ये माइट को भी करती है जो लाल मकड़ी होती है, और एफिड, जेसिड, ये सभी प्रकार के कीटों को ख़त्म करती है। ये ऑल इन वन दवाई है जिसे आप छिड़काव कर सकते हैं और इस दवाई के साथ आप फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको बढ़िया रिजल्ट ही मिलेंगे। और सिंगल करेंगे तो भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, पर फंगीसाइड को ज़रूर डालें क्योंकि जिससे कि अगर फंगस होगी पेड़ पर तो वो हट जाती है, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। बात करें इस दवाई की डोज की, तो इस दवाई का डोज है 1 एकड़ में 250 ml की जो बोतल आती है उसका कर सकते हैं, या फिर आप 15 ml पानी, 15 लीटर पानी में 25 ml डालकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इस दवाई की प्राइस की, तो इसका प्राइस है, इस दवाई का प्राइस है, देखिए रेट तो इस पर 1809 रुपये डली हुई है, पर ये आपको मार्केट में 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये के बीच में मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी रेट है और ये सभी प्रकार के कीटों को मार देती है। तो आप इसके साथ कोई दूसरी दवाई ऐड ना करें जो कीटनाशक हो, फंगीसाइड ऐड कर सकते हैं, टॉनिक ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, उन्हें लगाएंगे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पर आप इसे सुबह के टाइम जब ओस या पेड़ पर ओस ना रहे तभी इसका स्प्रे करें, या शाम के टाइम करें और
4 या 5 बजे के बाद इसका स्प्रे ना करें तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट और ये सिस्टमेटिक दोनों तरह की है, पर इस पे असर तभी पड़ता है पौधे पर जब ये दवाई पूरी तरह पत्ते पर सूख जाती है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमने सारा बता दिया है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।